हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वर्ल्ड कप 2023 के 32वें मुकाबले के लिए एमसीए पुणे का क्रिकेट पिच रिपोर्ट लेके हम आए हैं। 32वां मुकाबला दोस्तों न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे में आयोजित होना है और आज के इस वीडियो में पुणे के क्रिकेट पिच रिपोर्ट लेके हम आए हैं। यहाँ पर दो पहले ही मुकाबले हो चुके हैं वर्ल्ड कप 2023 सीजन के दौरान और इस मुकाबले के अलावा दो अन्य महत्वपूर्ण मुकाबले होने हैं। इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे जो पिछला दो मुकाबला यहाँ पर हुआ था, कैसा खेल हमको देखने को मिला है, किस प्रकार का स्टैट्स रहा है और अगले मुकाबलों में यहाँ पर कैसे खेल हो सकते हैं। जबरदस्त वीडियो है, अंत तक देखिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल पर आल वाला बटन ऑन कीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए। साथ ही दोस्तों, आप हमसे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर सीधे भी आप क्रिकेट एक्सपर्ट बाय विवेक के नाम से सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर टॉस के बाद हम उस मुकाबले के लिए ऑफिशियल पिच रिपोर्ट देते हैं कि कौन से मुकाबले कौन सी पिच पे होगा और उस पिच का उस पर्टिकुलर मुकाबले में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और साथ ही सबके लिए बिल्कुल फ्री में फैंटेसी टीम भी देते हैं। जहाँ तक बात पुणे के क्रिकेट पिच की है, तो अब तक जो मुकाबले देखे गए हैं, यहाँ पर अच्छी बैटिंग होने के साथ साथ तेज गेंदबाजों को भी थोड़ी मददगार पिच देखने को मिल रही है। एक ऐसी पिच जहाँ पर पहली इनिंग में थोड़ा बहुत तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है, बल्लेबाजी भी अच्छी हो रही है, तो दूसरे इनिंग में यहाँ पर बैटिंग ज़्यादा फेवरेट दिख रही है। तो पिछले दोनों मुकाबलों को लेके, जिसको अभी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे खेल हुए हैं, पिछले दोनों मुकाबलों को लेके जो इस वर्ल्ड कप में इस वेन्यू पे हुआ है, अब तक 9 वनडे मुकाबले इस वेन्यू पे हो चुके हैं, जिनमें से 4 बार पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने तो 5 बार चेज करने वाली टीम ने मुकाबले जीते हैं। अब इस दौरान अगर हम एवरेज स्कोर देखें तो पहले इनिंग का एवरेज स्कोर 291 और दूसरे इनिंग का एवरेज स्कोर 273 का देखने को मिला है। हाईएस्ट टोटल जो इस वेन्यू का है वो चेज करते हुए भारतीय टीम द्वारा बनाया गया था। इंग्लैंड के खिलाफ चेज करते हुए भारत ने यहाँ पर 356 रन बना के मुकाबला जीता था, जो अब यहाँ का हाईएस्ट टोटल और हाईएस्ट स्कोर रिकॉर्डेड भी है। वहीं पर अगर हम लोएस्ट टोटल देखें तो यहाँ पर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 232 बना के ऑल आउट हुई थी, जो यहाँ का लोएस्ट टोटल है। अगर हम लोएस्ट स्कोर डिफेंडेड की बात करें तो यहाँ पर वेस्टइंडीज की टीम 283 बना के भारत के अगेंस्ट स्कोर को सक्सेसफुली डिफेंड किया था, जो कि यहाँ का सक्सेसफुली डिफेंडेड स्कोर था। वहीं पर इन 9 मुकाबलों में अगर हम पहले इनिंग का स्कोरिंग पैटर्न देखें तो 200 से कम कभी नहीं बना है। 200 से 249 तक का योग 2 बार, 250 से 299 तक का योग भी 2 बार और 300 प्लस इस वेन्यू पे 5 बार देखने को मिल चुका है। बाउंड्रीज की बात करें तो स्टेट बाउंड्री थोड़ी लंबी है, 74 मीटर के रेंज में दिखती है, तो वहीं पर स्क्वायर बाउंड्री 62 से 65 मीटर के रेंज में मेजर की जा सकती है। वैसे जो दो मुकाबले हुए हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो इस वेन्यू का वर्ल्ड कप में पहला मुकाबला जो खेला गया था इस वेन्यू पर 19 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया था। बांग्लादेशी टीम पहले बैटिंग करने उतरती है, तंजीद हसन और लिटन दास की ओपनिंग पेयर काफ़ी सधी हुई शुरुआत देती है, लेकिन इसके बाद नियमित अंतराल में गिरते विकेट 256 तक ही बांग्लादेश को पहुंचा पाती है। 8 विकेट के नुकसान पर भारतीय तेज गेंदबाजी 5 विकेट निकालती है, स्पिनर्स के नाम आते हैं 3 विकेट। तो जवाब में भारतीय टीम सधी हुई ओपनिंग शुरुआत शर्मा के 48, सुमान गिल के 53 और इसके बाद विराट कोहली के शानदार सेंचुरी 103 की बदौलत आसानी से 42वें ओवर में 261 करके मुकाबला 7 विकेट से जीत लेती है। बांग्लादेशी तेज गेंदबाजों ने 1 विकेट निकाला, स्पिनर्स के नाम आए 2 विकेट। पूरे मुकाबले में 11 विकेट गिरे, जिनमें तेज गेंदबाजों के नाम 6 तो स्पिनर्स के नाम 5 विकेट देखने को मिले। वहीं पर वेन्यू का जो आखिरी मुकाबला देखा गया था 30 अक्टूबर को अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप मैच हुआ था, जहां पर अफगानी टीम एक बड़ा अपसेट एक बार फिर से करने में सफल होती है, श्रीलंका जैसी बड़ी टीम को पकड़ लेती है और श्रीलंका पहले बैटिंग करने आती है। 50वें ओवर में मात्र 241 बना के ऑल आउट होती है फजल अक फारूकी, अफगानी टीम के लिए 4 विकेट निकालते हैं। तो जवाब में अफगानी टीम 46वें ओवर में ही मात्र 3 विकेट के नुकसान पर 242 करके मुकाबला जीत ले जाती है। रहमत शाह के 62, कैप्टन हसनतुल्ला साहिदी के 58 और अजमतुल्ला उमराजी के दमदार 73 रन की बदौलत आसानी से अफगानी टीम मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम कर ले जाती है। इस मुकाबले में 13 विकेट गिरते हैं, जिनमें तेज गेंदबाजों के नाम 8 तो स्पिनर्स के नाम आते हैं सिर्फ 3 विकेट। अब दोस्तों, इन दोनों ही मुकाबलों में आप स्कोर देख चुके हैं, अगर हम विकेटों का पतन देखें तो इन दो मुकाबलों में कुल मिला के 24 विकेट गिरते हैं, चारों इनिंग्स में मिला के
पहले इनिंग में गिरने वाले विकेटों की संख्या 18 है तो दूसरे इनिंग में गिरने वाले विकेटों की संख्या सिर्फ 6 है। मतलब आसानी से दोनों ही मुकाबले चेज किए गए हैं मात्र 3-3 विकेट के नुकसान पर। इन 24 विकेटों में तेज गेंदबाजों का कंट्रीब्यूशन 14 विकेट रहा है। पहले इनिंग में गेंदबाजी करने वाले तेज गेंदबाज 10 विकेट निकालते हैं, दूसरे इनिंग में सिर्फ 4। स्पिनर्स के नाम सिर्फ 8 विकेट आए और इन 8 में से भी पहले इनिंग के स्पिनर्स ने यहां पर 6 विकेट निकाले। दूसरे स्पिन में गेंदबाजी करने वाले स्पिन गेंदबाज ड्यू फैक्टर से अफेक्टेड भी हो रहे हैं और सिर्फ 2 विकेट अपने नाम कर पाए। वैसे दोस्तों मुकाबला न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला है। इसके लिए वेन्यू पर दोनों टीमों का परफॉर्मेंस देखें तो साउथ अफ्रीका अभी तक यहां पर कोई भी वनडे मुकाबला नहीं खेल पाई है। तुर्की भी टीम सिर्फ एक मुकाबला इससे पहले यहां पर खेली है भारत के अगेंस्ट, जिसे भारत के सामने उसे शिकस्त झेलना पड़ा था कीवी टीम को। वैसे अगर हम बात करें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का ओडीआई वर्ल्ड कप में अब तक हुए मुकाबलों की, तो दोनों देशों के बीच 8 वनडे मुकाबले वर्ल्ड कप में हुए हैं और यहां पर कीवी टीम काफ़ी डोमिनेट कर रही है। इन 8 मुकाबलों में 6 बार न्यूजीलैंड को जीत हाथ लगी है, सिर्फ 2 बार साउथ अफ्रीका ने बाजी मारी है। वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।